So far we have covered section 320, that is grievous hurt. सेक्शन 320 में मैंने आपको आठ ऐसे हर्ट बताए थे जिन्हें ग्रीवियस माना जाता है, यानी वो चोट जिसे थोड़ी ज्यादा गंभीर मानी जाती है, और इसके लिए इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल चोट पे कम पनिशमेंट मिलेगी, ग्रीवियस हर्ट पे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो अभी अभी जो सेक्शन 319 और 320 जो हमने पढ़ा, वो सिर्फ हर्ट को डिफाइन करते हैं। वो सेक्शन सिर्फ हर्ट को डिफाइन करते हैं। अब आता है सेक्शन 321, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, और सेक्शन 322, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। मतलब अभी जो दो सेक्शन थे वो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करते, अब जो दो सेक्शन आएंगे वो ग्रीवियस हर्ट करना और किसी को हर्ट करना, इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 321 को आप अगर देखोगे तो उसमें लिखा है, हूएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज हर्ट टू दैट पर्सन एंड डज देयर बाय कॉज हर्ट टू दैट पर्सन इज सेड टू वॉलंटरी कॉज हर्ट। मतलब कि मैं इन दोनों ही सेक्शन का जिस्ट आपको बता देता हूं, या तो इंटेंशन हो आपका सामने वाले को हर्ट करने का, या नॉलेज हो आपको सामने वाले को हर्ट करने का, ये दोनों में से कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप वॉलंटरी हर्ट करोगे किसी को, तभी आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट करोगे किसी को। यानी सेक्शन 321 एंड सेक्शन 322, 321 मीन्स वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 322 मीन्स वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। From the reading of both the section, it is clear that either the intention or the knowledge must be essentially present in order to constitute the offense of hurt. मतलब या तो आपका intention था कि आप सामने वाले को hurt करना चाहते हो या grievous hurt करना चाहते हो और आपने वो कर दिया, या आप जो उसके साथ act कर रहे हो आपको knowledge है कि उस act से सामने वाले को hurt या grievous hurt होगा, फिर भी आपने वो act किया और उस एक्ट से सामने वाले को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हुआ, इसको कहते हैं वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट करना और वॉलंटरी हर्ट करना। अब यहां पे सवाल उठता है कि हम वॉलंटरी वर्ड को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, वॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है कि आपने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो किया है। अगर एक्सीडेंटली आपके किसी एक्ट से सामने वाले को हर्ट होता है तो आप तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। सामने वाले की कंसेंट से उसको हर्ट हुआ है तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हो। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पे आपने किया है तो भी थोड़ा सा आपका जनरल एक्सेप्शन लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, या फिर इसके अंदर भी एक प्रोविजन आएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो वॉलंटरी वर्ड इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 323 और 324। अब जो 323 है ना, सेक्शन 323 प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। देखो, हर्ट की बात हो रही है, अभी हम ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं कर रहे। वॉलंटरी अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो आपको उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी, दिस इज अ जनरल सेक्शन फॉर द पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अभी मैं आपको चार सेक्शन ऐसे बताता हूं जो इसी टाइप से, इसी के एग्रेवेटेड फॉर्म से, 324, 327, 329 और 339, ये चारों सेक्शन वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के ही एग्रेवेटेड फॉर्म्स। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या लिखा है 323 में, हुएवर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ केस प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 334 वॉलंटरी कॉजेस हर्ट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज और बोथ। यहां पर देखो एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 334। ये 334 को इनने एक्सेप्शन बनाया, मतलब कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट आपको 323 में मिलती है, बट ये पनिशमेंट सेक्शन 334 के केस में अप्लाई नहीं होती। क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि 334 को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है इसलिए आपने उसको हर्ट किया है, तो उस केस में आपको सजा कम मिलती है। यहां पे इस केस में आपको सजा देखो 1 साल की मिल रही है,
एक साल की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना, या फिर ये दोनों आपके ऊपर लग सकते हैं। यानी एक साल की सजा भी हो सकती है, 1,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया और फिर आपने उसको हर्ट किया, तो उस केस में आपकी सजा सिर्फ 1 महीने की हो सकती है बस, और जुर्माना सिर्फ 500 रुपए तक का। तो उसलिए सेक्शन 334 को अलग से एक्सेप्शन कैटेगरी में रखा है, ठीक है। यानी कि एक तरह से उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस बोल सकते हैं। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि वो सर्कमस्टेंसेस जो आपके ऑफेंस को थोड़ा कम गंभीर बना देते हैं। आप किसी को हर्ट करोगे, ये एक ऑफेंस है, बट सामने वाले के प्रोवोक करने पे करोगे तो आपका ऑफेंस थोड़ा कम गंभीर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए सेक्शन 324 पे। मैंने आपको कहा सेक्शन 324 इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 323। अब इसको एग्रेवेटेड क्यों बोला? देखो, किया तो इसमें भी वॉलेंट्री हर्ट है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट सेम चीज है, बट एक डिफरेंस है, बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। लेकिन आपने यहाँ पे जो वॉलेंट्री हर्ट किया है ना, वो किसी डेंजरस वेपन से किया है, किसी खतरनाक हथियार से किया, या किसी खतरनाक तरीके से किया है। दिस सेक्शन मेक सिंपल हर्ट मोर ग्रेव। एक सिंपल हर्ट को थोड़ा और गंभीर बना देता है, इसलिए ज्यादा सीवियर पनिशमेंट इस सेक्शन में मिलती है। आप यहाँ पे वो मींस देख लो, किस किस मींस का जिक्र हुआ है। फिर से बता दूं, सेक्शन 334 यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे भी सेक्शन 334 एप्लीकेबल होता है। यानी सामने वाला अगर आपको प्रोवोक करता है और फिर आप हर्ट करते हो, तो सजा आपको यहाँ पे भी कम मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे आप हर्ट किस तरह से करते हो, किसी शूटिंग के इंस्ट्रूमेंट से, किसी स्टैबिंग से, कटिंग से, किसी ऐसे वेपन से जो कटिंग के लिए यूज होता है, आग से, हीटेड सब्सटेंस, पॉइजन, कोरोसिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, सब्सटेंस विच इज डेलिटेरियस टू ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, स्वेलो, रिसीव इनटू द ब्लड, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल। ये सारी चीजें मीन्स के अंदर आती है। मतलब इनमें से किसी भी तरह से अगर आप सामने वाले को हर्ट करते हो, तो आपको सेक्शन 324 की सजा मिलती है, यानी जो 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट आपका यहाँ पे हो सकता है। फाइन की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, और दोनों पे आपके ऊपर लगाया जा सकता है। जिस तरह से इसके प्रिसीडिंग सेक्शन में 1,000 रुपीज की फाइन की लिमिट थी, यहाँ पे फाइन अनलिमिटेड लगाया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। एक और चीज समझिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, बाय इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग, बाय इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग। अगर आप अपने दांतों से किसी को बाइट कर देते हो और उस बाइटिंग से उसको बहुत चोट पहुंच जाती है, जैसे किसी की नोज पे आपने बाइट कर दिया, तो अगर आप किसी की नोज पे बाइट करते हो, उसको हर्ट करते हो, तो आप पे सेक्शन 324 एप्लीकेबल होगा, जस्ट बिकॉज टूथ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग। दांत जो होता है वो दांत कटिंग करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसलिए सेक्शन 324 में आप पनिशेबल रहोगे, ठीक है। अच्छा, ये 2005 के पहले ये ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस था। बिफोर 2005 दिस ऑफेंस वाज कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। हाउएवर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 हैज टेकन आउट सेक्शन 324 फ्रॉम द स्फीयर ऑफ कंपाउंडिंग एंड देयरफॉर इट मेड इट नॉन कंपाउंडेबल। और अब इसको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया, ठीक है। 2005 के पहले ये कंपाउंडेबल था, बट अब इसको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया। अच्छा, इसके पहले वाला जो सेक्शन था वो कंपाउंडेबल था, इसके बाद वाला जो आएगा वो भी कंपाउंडेबल है, लेकिन जिसमें हथियारों से या किसी डेंजरस मीन से अगर वॉलेंट्री हर्ट करोगे, तो वो ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सेक्शन 325 पे। देखो, सेक्शन 325 भी वैसा ही है, ये भी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट देता है, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे हर्ट नहीं, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब आप इस सेक्शन को किससे कंपेयर कर सकते हो? आप इस सेक्शन को कंपेयर कर सकते हो 323 से। क्यों? वो हर्ट के लिए पनिशमेंट देता था, और ये ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट देता है, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे एक्सेप्शन था सेक्शन 334, हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। यहां पे एक्सेप्शन रहेगा 335। 335 क्यों? क्योंकि 335 को आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। जिस तरह से 334 हर्ट ऑन प्रोवोकेशन था ना, वैसे ही 335 ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन है, ठीक है। तो 323 रिजेंबल टू 325 एंड 334 रिजेंबल टू 335। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, 324 रिजेंबल टू 324 क्या,
323, हम 323 पढ़ रहे हैं ना, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट, वो रिजेंबल करता है 325 को। और इसमें जो एक्सेप्शन होता है 323 में वो होता है 334 का, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है 325 में वो होता है 335 का। ठीक है, इसको याद रखना, बड़े काम की चीज। चलिए अब आते हैं इसके आगे कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में आपको सजा क्या मिल सकती है। 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन सीधे सीधे, और कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस हर्ट होता है, तो आपको सजा इसमें सीधे 7 साल तक की मिल सकती है, और इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, सीधे आप में फाइन लगाया ही जाएगा। 7 साल की सजा प्लस फाइन यहाँ पे है, ऑप्शन नहीं है सिर्फ फाइन लगाने का। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, एक प्लेयर था, क्रिकेट मैच खेल रहा था, फ्रेंडली क्रिकेट मैच अपने दोस्तों के साथ, उसने अचानक से स्टंप उठाया और दूसरे प्लेयर को उस स्टंप से सिर पे चोट पहुंचा दी, और जब उसने सिर पे उस स्टंप से चोट पहुंचाई तो उस दूसरे प्लेयर की डेथ हो गई। ठीक है, मतलब कि एक क्रिकेट मैच खेल रहा हूं मैं दोस्तों के साथ, और अचानक से मैंने स्टंप निकाला और मैंने मेरे दोस्त के सिर पे मार दिया, मेरा दोस्त मर गया। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि नाइदर द इंटेंशन वॉज देयर टू कॉज द डेथ, नीदर द लाइकलीहुड ऑफ डेथ बींग कॉज्ड वॉज देयर। किसी को अगर मैं स्टंप से सिर पे थोड़ा सा मार दूंगा, मतलब मैंने कोई इंटेंशनली उसको चोट नहीं पहुंचाई थी कि मैं इसको मारना ही चाहता हूँ, और ना ही स्टंप से कोई व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, वो अलग बात है कि स्टंप से मर भी सकता है अगर गलत जगह पे चोट पहुंचाई गई हो तो, बट इस केस में सिर पे चोट पहुंचाने को इतना गंभीर चोट नहीं माना था डॉक्टर ने कि उससे जान जा सके। ठीक है, तो अब चूंकि वो व्यक्ति तो मर गया, तो इस स्टूडेंट के ऊपर, ये जो प्लेयर था जो मैच खेल रहा था, इसके ऊपर चार्ज लगा मर्डर का, बट इसके मर्डर को चार्ज को हटा के सेक्शन 325 में कन्वर्ट कर दिया गया, 325 में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? कहा गया कि तुमने उसको वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट किया है, और क्यों किया है, एक ब्लंट वेपन से यूज किया है आपने, आपने भले ही एक वेपन तो यूज किया है पर वो एक ब्लंट वेपन होता है। स्टंप वगैरह में कोई इतनी धार थोड़ी होती है कि आप उससे किसी को मारोगे तो मर जाएगा, एकदम ब्लंट वेपन होता है वो तो, बट वेपन तो होता है ना, तो इसलिए सेक्शन 325 उस पर लगा दिया, यानी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट उस पर लगा दिया, तो 7 साल तक की सजा उसको दे दी, चाहे भले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो सवाल ये नहीं उठता है कि आपके एक्ट से अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो डेफिनेटली आप पे मर्डर का चार्ज ही लगेगा। देखो तो चार्ज मर्डर का लग जाएगा, लेकिन सजा मर्डर की मिले ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर डेथ हुई थी पर फिर भी सजा मर्डर की नहीं मिली, सजा सेक्शन 325 की मिल गई। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स भी तो देखना पड़ते हैं ना कि मर्डर के इंग्रेडिएंट वहां पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, वो जो यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हुए थे। और ये जो ऑफेंस है ग्रीवियस हर्ट का, आप इसको अगर देखोगे तो ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दिस इज कंपाउंडेबल बाय द पर्सन टू होम हर्ट इज कॉज्ड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जिस व्यक्ति को हर्ट हुआ है अगर वो कोर्ट से परमिशन लेता है तो वो ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए सेक्शन 326 पे। अब देखिए सेक्शन 326 रिजेंबल टू सेक्शन 324। यहां पे आप इसको सबको लिखते चलिए जो सेम सेम रिजेंबल करने वाले हैं ना, 324 रिजेंबल टू 326। और क्यों ये दोनों रिजेंबल करते हैं? 324 में क्या था? 324 में था वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन, और यहां पे है वॉरंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मींस। द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेक्शन एंड द प्रीसीडिंग वन इज द सेम एज दैट बिटवीन 324 एंड 323। यहां पे इंग्रेडिएंट्स क्या है? यहां पे आप सबसे पहले किसी को वॉरंटरी हर्ट करोगे, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा, जो हर्ट आप करोगे वो ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। तीसरा, वो जो ग्रीवियस हर्ट है वो डेंजरस वेपन या डेंजरस मीन से होना चाहिए। अब डेंजरस वेपन्स और डेंजरस मीन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो आपने सेक्शन 324 में पढ़ा था, शूटिंग का इंस्ट्रूमेंट, स्टेबिंग, कटिंग, डेथ, फायर, हीटेड सब्सटेंस, पॉइजन, कोरोसिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, डेलिटेरियस सब्सटेंस, जिसको आप इनहेल नहीं कर सकते, जिसको आप ब्लड में नहीं ले सकते, जिसको आप स्वेलो नहीं कर सकते, ऐसे किसी भी वेपन से, ऐसे किसी भी मीन से अगर आप ग्रीवियस हर्ट करते हो तो यू आर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और डेंजरस मीन्स। अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हो तो उस केस में आपको 7 साल का इंप्रिजनमेंट मिल रहा था,
7 साल तक का इंप्रिजनमेंट आपको मिल रहा था ग्रीवियस हर्ट करने के लिए। तो सोचो अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट डेंजरस वेपन से करोगे तो सजा कितनी ज्यादा मिलेगी। तो सजा सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है और 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकता है, प्लस फाइन आप पे लगाया जाएगा। मतलब अगर आपने बहुत ही ज्यादा डेंजरस वेपन से किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है तो आपको सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है या फिर 10 साल तक की सजा भी मिल सकती है और साथ में फाइन तो एडिशनली लगाया ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज है। एक एक्यूज ने विक्टिम के फेस पे एसिड फेंक एक एक्यूज ने विक्टिम के फेस पे एसिड फेंक दी। मेडिकल एविडेंस से यह साबित होता है कि वो जो एसिड फेंकी थी मुंह पे वो सफिशियंट नहीं थी उसकी जान लेने की। जब इन्होंने एसिड फेंकी उस विक्टिम के ऊपर तो वो विक्टिम की डेथ हो गई अस्पताल में जाके। बट मेडिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग एसिड फेंकना, मुंह पे एसिड फेंकना जान लेने के लिए सफिशिएंट नहीं था। बट एक्यूज्ड के ऊपर तो चार्ज लग गया था मर्डर का, 307 का। तो एक्यूज्ड का जो कॉन्विक्शन है 307 का, उसको अल्टर कर दिया गया था सेक्शन 326 में। सेक्शन 326 में क्यों अल्टर कर दिया था? क्योंकि 326 क्या बोलता है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस means। तो उनने voluntary grievous hurt किया सामने वाले को, dangerous means से किया, एक explosive substance से किया, acid से किया, ठीक है। तो उस केस में section 326 उन पे लगा दिया। ये non bailable offence होता है, non compoundable होता है, इसकी compounding नहीं की जा सकती। जिस तरह से voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon की compounding नहीं की जा सकती है, उसी तरह voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon की भी compounding नहीं की जा सकती। आप इस चीज को याद रखिएगा कि इस हर्ट वाले चैप्टर में, हर्ट जो हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, उसमें सारे ऑफेंस कंपाउंडेबल, यूजुअली सारे ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन जहां जहां डेंजरस वेपन का यूज हुआ है वो ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल बना दिए, है ना। इसको याद रखिएगा, काम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। चलिए 326 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी आप लोग आ जाओ 326A पे। ये 326A और 326B, ये ना दो नए नए प्रोविजन, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एसिड की बात बताई थी, अभी तो जो हमने एसिड की बात बताई थी उसमें तो हमने, मैंने आपको बताया कि वो एसिड फेंकी थी तो उस व्यक्ति को 326 में करा कॉन्विक, बट वो 1994 का केस था। तो 1994 में तो ये वाला अमेंडमेंट आया ही नहीं था एसिड वाला, वरना अब तो अगर वो एसिड फेंकता ना तो वो इस वाले केसेस में आता, 326A या 326B में फॉल करता। देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2013 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी। वुमन के लिए काफी कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर हुए थे, जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी की रिपोर्ट पे आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली कि 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ में वो किस कमिटी की रिकमेंडेशंस पे हुआ था। तो ये जो दो सेक्शन है 326A और 326B, एक तो है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड और दूसरा है वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। मतलब एसिड का यूज करके किसी को वॉलंटरी हर्ट कर देना और दूसरा किसी के ऊपर वॉलंटरी एसिड को फेंक देना या फेंकने की कोशिश करना, है ना। आप बोलोगे सर दोनों ही तो सेम है, दोनों सेम नहीं है। देखो फर्स्ट वाले में ग्रीवियस हर्ट का जिक्र हुआ है, सेकंड वाले में नहीं हुआ है। मतलब जो फर्स्ट वाला सेक्शन है 326A वो ज्यादा फोकस करता है एसिड फेंक के सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट करने पे, और जो 326B है वो फोकस करता है सिर्फ एसिड फेंकने पे और उसको फेंकने के अटेम्प्ट करने पे, चाहे भले वहां पे हर्ट हुआ ही ना हो। लेकिन 326A की एप्लीकेबिलिटी के लिए ग्रीवियस हर्ट होना जरूरी है, लेकिन 326B में सिर्फ एसिड फेंकना और फेंकने की कोशिश करना, बस यही जरूरी है, चाहे हर्ट ही ना हो, ठीक है। अब वैसे तो सेक्शन 326 को रीड कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि अगर ग्रीवियस हर्ट होगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? लिखा इनने ग्रीवियस हर्ट है, बट अगर इंजुरी सिंपल भी होगी ना तो भी 326A एप्लीकेबल होगा। इवन इफ द इंजुरीज आर सिंपल, द मेयर एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड और अटेम्प्ट वुड अप्लाई द ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A एंड 326B। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि इंजुरी चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, है ना, अगर एसिड फेंकी है और सामने वाले को हर्ट हुआ है तो वो सिंपल इंजुरी भी होगी, सिंपल हर्ट भी होगा, तो भी सेक्शन 326A वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन को रीड करोगे तो लिखा है कि हुएवर, यानी सब पे अप्लाई होता है, कॉजेस परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बर्न और मेम और डिसफिगर और डिसेबल एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ बॉडी और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट। अब आपको समझ में आया कि ग्रीवियस हर्ट तो इसमें सिर्फ एक और करके लिखा हुआ है, ग्रीवियस हर्ट तो इसमें सिर्फ एक और करके लिखा हुआ है। सेक्शन में देखा तो ग्रीवियस हर्ट मेन लिखा है, बट उसके अलावा भी तो कितना कुछ लिखा है। देखो इसके अंदर पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न, मेम, डिसफिगरेशन, डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट इसमें से सिर्फ एक चीज है। अगर एसिड फेंकने से सामने वाले को थोड़ा सा बर्न भी हो गया है, थोड़ा जल भी गया है, तो भी 326A लग जाएगा। जरूरी नहीं कि वहां पे ग्रीवियस हर्ट होना ही है। ठीक है, चीज समझ में आई ना? और ये जो जितनी भी चीजें मैंने बताई ये क्यों हुई है, बाय थ्रोइंग एसिड और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, एसिड फेंकने से या एसिड डालने से, टू दैट पर्सन और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एसिड फेंकने से ही हो, अगर कोई दूसरा केमिकल होता है जो एसिड नहीं होता है बट ये सब करने की काबिलियत रखता है, ये सब करने की क्षमता रखता है, उस चीज से भी करोगे तो भी 326A एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब दूसरी चीज जो समझना है आपको, वो ये समझना है कि यहाँ पे एसिड वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एसिड ही होना चाहिए, एसिड के आगे एटसेट्रा भी लगा है, उसकी भी वैल्यू समझो। सिर्फ एसिड की बात नहीं है, अगर कोई दूसरा मीन्स है तो उसकी भी बात है। यहाँ कोई दूसरा केमिकल लेके आ गए आप, जाके उसको डाल दिया आपने, तो भी आप 326A में आओगे। और यहाँ पे आपका इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, नॉलेज ऑफ कॉजिंग सच इंजुरी होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे सामने वाले को हर्ट होगा, आप जानबूझ के कर रहे हो, ये होना चाहिए। पनिशमेंट यहाँ पे देखो, पनिशमेंट यहाँ पे बहुत गंभीर बनाई, शेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम का तो आप इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं सकते, एंड में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अच्छा यहां पे एक चीज है, यहां का जो फाइन है ना वो बड़ा मैंडेटरी है। मतलब आप एक चीज समझना, मैं आपको अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़ा चुका हूं हमने देखा है कि उसमें कुछ कुछ में शेल फाइन शेल भी इम्पोज लिखा होता है, जैसे कि पिछला आप पिछला ही वाला देख लो, ये देखो इसमें देखो प्लस फाइन लिखा ना, प्लस फाइन मतलब 7 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। बट मैं एक चीज बता दूं, ये फाइन जो है ना ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, अगर कोर्ट चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकती है कि नहीं लगाना फाइन भाई, नहीं लगाना फाइन, कोर्ट ये भी कर सकती है। बट इस सेक्शन में जो फाइन है वो मैंडेटरी है, और मैंडेटरी क्यों है, बिकॉज फाइन शेल बी पेड टू द विक्टिम, जो एसिड अटैक का विक्टिम होता है ना, फाइन उसको पे किया जाता है, इसलिए फाइन मैंडेटरी है। और फाइन यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं लगाई है फाइन की, अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, उस विक्टिम के ट्रीटमेंट के लिए जितना मेडिकल एक्सपेंस लगेगा उतना फाइन कोर्ट लगा देती है। 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है उस विक्टिम को इलाज करवाने में, तो 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया कोर्ट ने, तो ये फाइन यहाँ पे जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी फाइन। और इम्प्रिजनमेंट तो आपको पता चल गया 10 साल से कम नहीं हो सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। देखो अभी तक हम हर केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट देख रहे थे, लेकिन इस केस में आपको तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट भी प्रोवाइड करके रखा है कि 10 साल से कम तो भाई लगा ही नहीं सकते, ये तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, अब आ जाओ आप सेक्शन 326B पे, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। मैंने आपको बताया कि पिछला सेक्शन फोकस कर रहा था ग्रीवियस हर्ट पे रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसिड, यानी एसिड का यूज करके किसी को ग्रीवियस हर्ट करना या एसिड का यूज करके किसी को बर्न करना या कुछ भी करना, उस पर फोकस कर रहा था। बट ये सेक्शन इज फोकसिंग, दिस सेक्शन इज फोकसिंग मोर ऑन द एक्ट ऑफ थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। मतलब यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपका इंटेंशन बस ग्रीवियस हर्ट करने का होना चाहिए, और आपने उस इंटेंशन से सामने वाले के ऊपर एसिड फेंक दी,
तो आपका जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है 5 साल से कम नहीं हो सकता, 7 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन इसमें आपको लगाया जाएगा। मतलब 5 से कम नहीं जा सकते, 7 तक जा सकते हैं। मतलब इसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 5 साल का है और मैक्सिमम 7 साल का, और फाइन आप पे लगाया जाएगा। तो सजा इसमें कम है थोड़ी, क्योंकि चूंकि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ या बर्न वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपका इंटेंशन था और आपने उस इंटेंशन से एसिड फेंक दिया। अगर थोड़ी सी भी बर्न हो जाएगी, थोड़ी सी भी चोट पहुंच जाएगी, अगर कुछ भी हो जाएगा, तो सीधे सीधे आपका ऑफेंस 326A में चले जाएगा और आपको वहां पे सजा मिलेगी, जो कि ज्यादा होती है, 10 साल का मिनिमम, लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम। ठीक है, और दोनों ही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखो इसमें कंपाउंडिंग वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, असंभव चीज है, याद रखना इसको। अब आ जाओ 327 पे, याद रखना है दोनों सेक्शन किस अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, किसकी रिकमेंडेशन पे हुए थे और इनकी वैल्यू क्या है। 327, अब फिर से हम हर्ट करने को और ग्रीवियस हर्ट करने को थोड़ा एग्रेवेटेड फॉर्म में देख रहे हैं। अभी सेक्शन 327 बात करता है वॉरंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। किसी को वॉरंटरी हर्ट कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? ताकि आप उससे कोई प्रॉपर्टी छीन सको या आप उससे कोई इलीगल एक्ट करवा सको। यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को वॉरंटरी हर्ट करना, उसकी प्रॉपर्टी उससे छीनने के लिए या उससे कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए। तो दिस इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस ऑफ हर्ट एंड इट इज सीवियरली पनिशेबल बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग हर्ट इज टू एक्सटॉर्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सफरर। सफरर मतलब वो व्यक्ति जो सफर करता है, जो व्यक्ति हर्ट को सफर कर रहा है, जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना चाहते हो। इसलिए इस ऑफेंस को गंभीर बनाया है, क्योंकि यहां पे आपका वॉलंटरी हर्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी छीनने का है। क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आप इसमें देखो, एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्टिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कॉन्स्ट्रेनिंग द सफरर to do anything which is illegal, or constraining the sufferer to do anything which may facilitate the commission of an offence. कोई ऐसा काम उससे करवाना जो illegal हो, या कोई ऐसा act उससे करवाना जिसके कारण offence हो जाए। अगर आप इस चीज के लिए सामने वाले को hurt करते हो, इस चीज के लिए आप सामने वाले को voluntary hurt करते हो, तो आपका जो imprisonment है वो 10 सालों तक का extend हो सकता है और साथ में fine भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। मतलब 10 years तक का imprisonment plus fine। अभी तक voluntary hurt करने के लिए आपको सजा कितनी मिलती थी? आपको voluntary hurt करने की सजा मिली थी उधर कितनी? सबसे पहले voluntary hurt करने की सजा कितनी थी? 1 साल की। फिर यही voluntary hurt अगर आपने dangerous weapon से किया था तो सजा 3 साल तक की चली गई थी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने यही, उसके बाद तो वॉलंटरी हर्ट आया ही नहीं ना, ग्रीवियस हर्ट आ गया था। ठीक है, तो अब अगर ये वॉलंटरी हर्ट आपने प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के पर्पस से किया तो 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आप पे लगाया जा सकता है। एक केस मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो। वन ऑफ द 5 पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर वर आर्म्ड विद अ शार्प एज्ड वेपन बट इन्फ्लिक्टेड ओनली 1 इंजुरी बाय द ब्लंट साइड ऑफ हिज वेपन। 5 लोग थे, उनमें से कोई एक जो था, अच्छा पहले तो ये 5ों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, ठीक है, बट इनमें से कोई एक ऐसा था जिसके पास एक शार्प एज हथियार भी था। उसने उस शार्प एज हथियार से सिर्फ एक चोट पहुंचाई है उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है, और वो भी कौन सी साइड से? ब्लंट साइड से। मतलब जिधर धार थी ना उधर से नहीं, जो ब्लंट साइड वाला था उधर से पहुंचाई। तो वैसे तो उन सबके ऊपर कॉमन इंटेंशन से चार्ज लग गया मर्डर करने का, बट कोर्ट ने उनको मर्डर के लिए पनिश नहीं किया, कोर्ट ने उनको सेक्शन 327 के लिए पनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन सबका कॉमन इंटेंशन मर्डर करने का नहीं था, उन सबका कॉमन इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी था। यानी वो लोग सिर्फ उस व्यक्ति से जिसकी मृत्यु हुई है उससे प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, उससे पैसे वैसे छीनना चाहते थे, जो भी उसके पास था वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो छीनना चाहते थे। और इन्होंने कोई मर्डर भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक चोट पहुंचाई, वो भी ब्लंट साइड से पहुंचाई। तो ब्लंट साइड से अगर आप चोट पहुंचाते हो तो वो तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट होता है, और यहाँ पे आपने जो वॉलंटरी कॉज हर्ट किया वो क्यों किया? टू एक्सटॉर्ट द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसलिए सेक्शन 327 का चार्ज लगा, ना कि मर्डर का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आ जाओ कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पे आप हर्ट कर रहे हो फिर से, लेकिन अब की बार जो हर्ट है वो कुछ ज्यादा ही एग्रेवेटेड फॉर्म में आ रहा है।
जहर से कर रहे हो। यहां पे पॉइजन भी आ जाता है, यहां पे कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग भी आ जाता है, यहां पे कोई अनहोलसम थिंग भी आ जाती है, कोई ऐसा ड्रग जो कि कंज्यूम करना हमारे लिए सही नहीं है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब आप समझना, इसमें पॉइजन लिखा है तो सिर्फ पॉइजन ही मत लेके बैठ जाना उसको, ठीक है। पॉइजन के साथ साथ ड्रग्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो गए। आप इस सेक्शन की रीडिंग करो तो इसमें लिखा है, हुएवर एडमिनिस्टर टू और कॉजेस टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन और एनी स्ट्यूपिफाइंग इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम ड्रग और अदर थिंग, अनहोलसम ड्रग और अदर थिंग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट। देखो समझो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हुएवर एडमिनिस्टर्स, मतलब कि आप खुद उस व्यक्ति को एडमिनिस्टर कर रहे हो ड्रग, आप खुद अपने हाथों से उस व्यक्ति को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, राइट। और दूसरा आप इसका फ्रेज पढ़ोगे तो कॉजेस टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, कॉजेस टू बी टेकन बाय एनी पर्सन मतलब अगर आप खुद एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हो, आप किसी और से करवा रहे हो या आप उस व्यक्ति से खुद से करवा रहे हो कि ले भाई इसको ले ले, इसको ले ले ऐसे करके, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब अपने हाथों से तो आप उसको एडमिनिस्टर करोगे तो आओगे ही आओगे आप इस सेक्शन में, लेकिन अगर आप किसी और से करवा रहे हो ना, यू आर कॉजिंग इट, यू आर कॉजिंग दैट पर्सन टू टेक द ड्रग, तो भी आप इसमें आ जाओ। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसमें पॉइजन इंक्लूडेड है, ठीक है। पहली चीज तो इसमें पॉइजन इंक्लूडेड है, दूसरी चीज कोई स्ट्यूपिफाइंग, कोई इंटॉक्सिकेटिंग, कोई अनहोलसम ड्रग, और सिर्फ ड्रग ही नहीं, कोई भी दूसरी चीज जो ड्रग जैसी हो वो इसमें इंक्लूड है। और तीसरी चीज, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका इंटेंशन वहां पे उसको हर्ट करने का होना चाहिए या आपका इंटेंशन वहां पे कोई ऑफेंस करवाने का होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को ड्रग दिलवा के, उसको नशे में बुलवा के आप उससे कोई ऑफेंस करवाओगे, ऐसा कुछ इंटेंशन आपका होना चाहिए। और वो जो चीज आप उससे करवाओगे, वो जो करवाने का आपका इंटेंशन है, उससे उस व्यक्ति को हर्ट होगा, उससे उस व्यक्ति को हर्ट होगा, लाइकली टू कॉज हर्ट, तो आप सेक्शन 328 का ऑफेंस कर रहे हो। मतलब किसी व्यक्ति को ड्रग्स दे के नशे में ले आए, आपका इंटेंशन है कि अब आप उस व्यक्ति से कोई ऑफेंस करवाओगे और वो जिस ऑफेंस को वो व्यक्ति करेगा, उस ऑफेंस से उस व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, तो आपने यहाँ पे सेक्शन 328 का ऑफेंस कर दिया। अच्छा, अब इसमें आप सोचोगे अंदर ही अंदर से कि सर क्या सेक्शन 328 में हम लायबल तभी होंगे जब वो व्यक्ति जिसको हमने ड्रग दिया है वो जाके उस ऑफेंस को करे जो हमने उससे करवाना चाहा और उस व्यक्ति को चोट भी पहुंचे, क्या ये तभी हम सेक्शन 328 में लायबल होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एक्ट कंप्लीट कब हो गया? आपका एक्ट कंप्लीट तब हो गया जब आपने उस व्यक्ति को पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया या करवा दिया। द ऑफेंस इज कंप्लीट एज सून एज यू एडमिनिस्टर द ड्रग और पॉइजन टू दैट पर्सन और कॉजेस दैट पर्सन टू टेक द ड्रग और पॉइजन, तो आपका ऑफेंस तो वही कंप्लीट हो गया। सो द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कंप्लीट इवन इफ नो हर्ट इज कॉज टू द पर्सन टू होम द पॉइजन और द अदर थिंग मेंशन इज एडमिनिस्टर्ड, चाहे भले ही फिर उस व्यक्ति को कोई हर्ट ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा सेक्शन में लिखा है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, मतलब कॉजिंग हर्ट, बट इसकी सेक्शन की रीडिंग में क्या लिखा है, लाइकली दैट इट विल कॉज हर्ट, बस चांसेस होना चाहिए उसको हर्ट होने के, चाहे हो ना। और ये जो एक्यूज्ड है ये एक्ट खुद से भी कर सकता है और किसी और से भी करवा सकता है, क्योंकि मैंने कॉजेस टू बी टेकन का भी आपको जस्टिफिकेशन दे दिया। इम्प्रिजनमेंट यहां पे भी 10 सालों तक का हो सकता है, साथ में फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाले सेक्शन में भी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट था 327 में, और इधर यहाँ पे भी 328 में भी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है। चल अब जो दो सेक्शन पढ़ाऊंगा ना वो फिर से पढ़े पढ़ाए से लगेंगे आपको। 329 जो है वो 329 तो आपको किसकी कॉपी लगेगा, 327 की। वहां पे आपने प्रॉपर्टी छीनने के लिए, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए या किसी इलीगल एक्ट को करवाने के लिए या किसी ऑफेंस को करवाने के लिए सामने वाले को हर्ट किया था, यहाँ पे आप यही सब चीजों के लिए सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट करते हो, यानी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट दी प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट।
तो दिस सेक्शन इज सिमिलर टू सेक्शन 327. द ओनली डिफरेंट थिंग इज दैट हर्ट कॉज्ड अंडर इट इज ग्रीवियस. ठीक, एग्जाम्पल देखो आप इसका. कोई व्यक्ति कोर्ट जा रहा है, कोई व्यक्ति कोर्ट जा रहा है आपके केस में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए. आपने उस व्यक्ति को कोर्ट जाने से रोकने के लिए, कोर्ट जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आपने उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया, आपने उसको चोट पहुंचा दी ताकि वो कोर्ट नहीं जा पाए. अब आप समझना यहां पे कि आपने उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जिससे कि वो कोर्ट नहीं जा पाया. तो एक चीज समझो कि सबसे पहली चीज तो आपने उसको ग्रीवियस हर्ट किया, दूसरी चीज आपने ग्रीवियस हर्ट क्यों किया. आपने ग्रीवियस हर्ट इसलिए किया ताकि वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता. पर आप उस व्यक्ति को कोर्ट क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? क्योंकि वो आपके खिलाफ गवाही देने जा रहा था. और अपने खिलाफ अगर कोई विटनेस गवाही देने जाता है और अगर अपन उस विटनेस के साथ टेम्परिंग करते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको रोकते हैं, तो हम एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं. तो यू आर फोर्सिंग हिम टू कमिट एन एक्ट विच वॉज इलीगल. आप उसको ग्रीवियस हर्ट करके कोर्ट जाने से रोक के एक इलीगल एक्ट कर रहे हो. यानी आप एक इलीगल एक्ट करवाना चाहते हो उससे कि भाई तू मत जा मेरे खिलाफ गवाही देने. इसलिए आपने यहां पर सेक्शन 329 का ऑफेंस कर दिया. अच्छा, इसमें एक और चीज, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड बी अट्रैक्टेड इवन इफ एक्सटॉर्शन इज नॉट कंप्लीट. देखो वहां पे वो जो इलीगल एक्ट आप उससे करवाना चाहते थे, अगर वो कंप्लीट नहीं भी हुआ ना, तो भी सेक्शन 329 में आप लायबल रहोगे. मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पे भी जो मेन आपका ऑफेंस है वो सिर्फ इतना है कि आप प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए, उस व्यक्ति को कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए, उस व्यक्ति से कोई ऑफेंस करवाने के लिए आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो. तो आपने जैसे ही ग्रीवियस हर्ट किया ना, आप तो इस सेक्शन में लायबल हो जाओगे. चाहे फिर वो व्यक्ति कोर्ट जाके गवाही दे दे आपके खिलाफ, चाहे भले जो चीज आप उससे करवाना नहीं चाहते थे, जो इलीगल आप करवाना चाहते थे वो उसने किया ही नहीं, बट आपने तो ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो आप तो इस सेक्शन में लायबल रहोगे. अब क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर है, जब हमने हर्ट किया था इन सब चीज के लिए तो ही हमको 10 साल का इंप्रिजनमेंट मिला था, तो अगर ग्रीवियस हर्ट करेंगे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो बनता है. तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन कुछ भी लगा सकती है कोर्ट. ठीक है, चलो अब रिजॉइन कर लो, फिर सेक्शन 330 पढ़ा था.